नमस्कार, मैं हूं रश्मि, आपके साथ आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज इलाके के रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। काबुल के अमेरिकी कैंप पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने तालिबानियों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सैनिकों को रात में ही शिफ्ट कराया, जिसमें अशोक सिंह भी शामिल रहे। इनके अलावा 5 और भारतीय भी थे, जिन्हें पहले कतर ले जाया गया, जहां दोहा से दिल्ली होते हुए प्रतापगढ़ अपने परिजनों के बीच पहुंचे। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद हमारे प्रजातंत्र टीवी के संवाददाता ने उनसे बातचीत की। अफगानिस्तान के हालात को सुनिए काबुल से लौटे अशोक सिंह की जुबानी। देखिए, हमारे साथ जो स्पेसिफिक घटना घटी 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक। 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंप खाली करने के, वो कुछ मतलब इनके जो डेटा वगैरह हैं, एज आईटी में वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा काम था उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके इम्प्लाइज की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, और साथ में जितने भी वहाँ पे इम्प्लाई काम कर रहे थे US गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफगानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना, कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो कैंप के अंदर होता है, जो भी अफगानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफगानी की जान जाने की पूरे चांस हैं कि वो अफगानी को उस मार देते हैं। इनका इतिहास रहा है पहले भी, जब भी कोई किसी भी अफगानी को पाए हैं। आपके साथ और कितने भारतीय काम कर वहाँ पे उस पार्टिकुलर कैंप में जो है, टोटल मेरे साथ 5 भारतीय थे, मैं आईटी डिपार्टमेंट में था, बाकी 4 भारतीय और थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। सब निकल चुके होंगे? सब मेरे साथ ही निकले हैं एक साथ हम लोग वहाँ। हम 14 को मतलब वहाँ जब हमारे पास कॉल आई है 4 बजे, 6 बजे निकलना है, 6 बजे सब लोग निकल चुके थे वहाँ से।